ऑल राइट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और उसमें हम डिस्कस करेंगे आज स्टेम एंड लीफ डायग्राम को. ठीक है, आपके पास स्टेम और लीफ डायग्राम दो तरह की होती है. एक को आप कह सकते हो सिंपल स्टेम एंड लीफ, और दूसरे को आप कह सकते हो बैक टू बैक. ऑल राइट, तो दो तरह की हमारे पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम होती हैं. सिंपल जो होगी उसमें आपके पास खाली एक डेटा होगा, और बैक टू बैक में आपके पास दो डेटा होंगे. ठीक है, तो एक मैंने 5 रुपये का क्वेश्चन रखा है फॉर एन एक्सप्लेनेशन. तो ये आपके पास जो है ये एक सिंपल वो है स्टेम और लीफ है, कि यहाँ पर आपके पास खाली एक डेटा है. अगर बैक टू बैक होती तो दो डेटा होते कि इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स, या इस तरह की दो चीज़ें आपस में कंपेरिजन होती. तो अब हमने स्टार्ट करना है इसका स्टेम और लीफ बनाना. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिपीटेटिव यहाँ नंबर कौन कौन से हैं. तो आपके पास आ रहा है शुरू के नंबर देखेंगे, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 15, 13, 12, 10, 14, 16, 14, 10, 16, 11, 10, 12 एंड 13. ये आपके शुरू के नंबर्स हैं, इन्हीं को हम फोकस करेंगे. तो अब हमारा जो स्टेम बनेगा वो किसका बनेगा, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बनाना. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा. अब मेरे पास जो स्टेम के नंबर हैं उसका लोवेस्ट नंबर मेरे पास कितना आया था, दैट इज़ 1 एंड 0. तो ये आ जाएगा मेरे पास 10, उसके बाद 11, 12, 13 भी आ रहा है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 और 18 और 19 आई थिंक नहीं है. ठीक है ना, यहाँ तक है हमारे पास. तो ये तो मैंने क्या रखे, मैंने खाली दो डिजिट्स, क्योंकि जो मेरा लास्ट डिजिट है लीफ वाला उसमें खाली एक नंबर आना चाहिए, उसमें दो नंबर नहीं आ सकते. अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, अब आप भी देखें कि 10 के बाद नंबर क्या आ रहा है. 10 के बाद हमारे पास 4 है, 10 के बाद हमारे पास 9 है, और 10 के बाद हमारे पास 4 है, और तो कोई नंबर नहीं है. तो हमेशा नंबर इसमें लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में. तो हमारे पास 4 है, 4 है, या फिर 9 है. अच्छा, रिकमेंड मैं करूँगा जिसको आप एंटर कर दो उसको आप कट कर दो, ताकि आपको पता लगे कि यार ये नंबर हमने यूज़ कर लिया. अब आते हैं 1-1 के ऊपर. 1-1 के पास कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो छोटा नंबर क्या है हमारे पास 1-1 के साथ. मेरे पास 115 है, 117 है, और तो कुछ 1-1 के साथ नहीं है. तो दो ही नंबर हैं, तो छोटा नंबर उसमें मेरे पास 5 है और उसके बाद 7 है. तो ये आ गया मेरे पास 1-1 का. अब आते हैं 1-2. तो 1-2 पे हमारे पास पहले 0 आया, उसके बाद हमारे पास 1-2 पर आ रहा है दैट इज़ 4, उसके बाद हमारे पास आया 1-2 पर 5. ऑलराइट, अब आते हैं 1-3. 1-3 पे कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है. 1-3 पे हमारे पास 4 आ रहा है, तो दो नंबर ये हो गए, और तो कोई नंबर नहीं है. 1-4 पे देखेंगे, 1-4 पे 2 आया, 1-4 पे 5 आया, तो ये आएगा 2 और 5. 1-5 पर हमारे पास खाली एक ही नंबर आ रहा है दैट इज़ 8, एंड 1-60 पर आ रहा है 0 एंड 2. तो ये आपका कंप्लीट हुआ स्टेम और लीफ. अब जब आप स्टेम और लीफ बना लो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वहाँ पर आपने की को मेंशन करना है. की को मेंशन करना है, एक मार्क की वेटेज होती है. ठीक है ना, अब की का नंबर क्या हुआ कि लेट्स सपोज मैंने लिखा 10 एंड 4, जो मेरा पहला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1, इसको आप लिखोगे क्या रिप्रेजेंट्स. ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ये कर रहा है 104, ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है ना, तो की आपका लिखना मैंडेटरी है क्योंकि ये एक मार्क की है. ड्रॉ एंड स्टेम एंड लीफ डायग्राम टू रिप्रेजेंट डेटा, तो ये आपके पूरे 3 मार्क्स कंप्लीट हो गए. उसके बाद फाइंड द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स. ऑलराइट, क्वार्टाइल्स का मतलब क्या हुआ, अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल दोनों. पहले हम स्टार्ट करते हैं मीडियन से. व्हाट इज़ द वर्किंग फार्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन वर्किंग फार्मूला इज n+1/2. अब आपने अपने स्टेम लीफ में एक और चीज़ को ऐड करना है, वो क्या है भाई, टोटल. यहाँ टोटल कितने हैं, ये आपके पास 3 हैं, ये आपके पास 2 हैं, ये आपके पास 3, अगेन 2, अगेन 2, 1 एंड अगेन 2. अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट द सम 3+2 5, 5+3 8, 8+2 10, 12, 13 एंड 15. तो आपके पास जो टोटल है फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 15, और ये आपके पास आपके n की वैल्यू आ चुकी है. ठीक है, तो इट सेज n+1 वी आर गोइंग टू अप्लाई 15+1/2 दैट इज़ 16/2 मतलब 8. अब आपने 8 टर्म को देखना है. यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं 3, 3+2 5, 5+3 8, इसका मतलब है 8 टर्म यहाँ पर होगी, 6, 7, 8. तो दैट इज़ योर मीडियन. ऑलराइट, मीडियन क्या हुआ, मीडियन हमारी ये टर्म काउंट कर रही है. तो हम लिखेंगे कैसे, हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू, अब जो आपने टर्म काउंट की है वो क्या है आपके पास 12 एंड 5 आ रहा है यहाँ पर. तो आप यहाँ लिखोगे क्या, आप यहाँ लिखोगे मीडियन इज इक्वल्स टू
125, ये आपका मीडियन हो जाएगा। ऑलराइट, मीडियन के बाद अब आते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के लिए पहले हम बात करते हैं अपर क्वार्टाइल की। वर्किंग फार्मूला क्या हो जाएगा, 3/4 टाइम्स एन प्लस वन। आपके पास एन की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 15। तो 3/4, 15 प्लस 1 टाइम्स 16 हो जाएगा, 4 ones are 4 fours are 4 threes are 12। अब ये देखते हैं भाई कि हमारी 12 फ्रॉम कहाँ पर आ रहा है, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12। तो हमारा अपर क्वार्टाइल कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। सो अपर क्वार्टाइल इज़ व्हाट, अपर क्वार्टाइल इज़ 145। सिमिलरली हम बात करेंगे लोअर क्वार्टाइल की। वर्किंग फार्मूला हमें पता है, दैट इज़ 1/4 ऑफ एन प्लस वन। एन हमने निकाला हुआ है, इट्स 15, तो हम सिंपली वैल्यू प्लेस करेंगे। सो 1/4 ऑफ 15 प्लस 1 16, दैट इज़ इक्वल्स टू 4। अब ज़रा फोर्थ टर्म को हाईलाइट करते हैं, तीन टर्म्स तो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं, दैट मीन्स फोर्थ 1, 2, 3 एंड फोर्थ इज़ वॉट, 5। तो आपका जो लोअर क्वार्टाइल होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 115, और ये आपके आंसर्स हो गए।